हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज है मेरा बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। तो शायद आज घूमने जा सकते हैं, प्लान बन रहा है घूमने का। तो जो भी वहाँ का सीन होगा मैं आपको सब दिखाऊंगी। और किसी ने हमारी पिक्चर बनाई है, पोर्ट्रेट बनाई है मेरी, तो वो आपको दिखाती हूँ। एक बच्ची ने बनाई है, देखिए गाइस, एक छोटे बच्चे ने बनाई है, काफ़ी अच्छी बनाई है। तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। और तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम, और जो भी होगा आपको सब दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो गाइस, हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं थोड़ी देर में। कहाँ जाना है ये अभी कंफर्म नहीं है, कहीं भी निकल लेंगे, बस अभी तो घर से निकल रहे हैं, फिर दिखते हैं हम कहाँ जाते हैं। हमारा कोई प्लान ही था कि कहाँ जाना है, भी हमारा अचानक प्लान बना कि देहरादून में एक कैफ़े है, पहाड़ी कैफ़े। तो हम सीधा ऋषिकेश से देहरादून गए दीनदयाल कैफ़े में। फाइनली गाइस, वी रीच अवर डेस्टिनेशन। हम आ गए हैं दीनदयाली, द पहाड़ी कैफे, द पहाड़ी होम स्टे। चलो देखते हैं अंदर क्या क्या कैसा है। एक ब्लॉगर ये भी है साथ में, बर्थडे का लिए ये हैप्पी बर्थडे बोल दो सबको, मेरे पे इसको हैप्पी बर्थडे चुप रहो। और इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने कुछ ज्यादा बहुत फूल लगते होंगे इसमें, दीनदयाली कैफ़े एक पहाड़ी कैफ़े है, और यहाँ पे ट्रेडिशनल पहाड़ी खाना मिलता है। और यहाँ से मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे कि हम गांव में आ चुके हैं। तौला इतना बड़ा घड़ू होता है तो गाइस ये है तौला भट्टू, इसमें क्या होता है। तो गाइस ये है भट्टू, इसमें गांव में खाना बनता है। और ऐसे गागर बोलते कल, और ये है पानी की गागर का दाल बनती है। और आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए गौ माता जी, ये है प्यारी सी गौ माता, ये उनका बछड़ी, और ये रथ, एंड काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ पर भी वो आटा पीसने वाली चक्की है, चक्की इसमें आटा पीसते हैं। और ये हमारे ढोल ढमा वाले, और ये होम स्टे भी है, यहाँ पे बाथरूम वगैरह भी मिल सकता है। देखिए गाइस, ये है ढोल, एंड ये है धमा, ढोल धमा, और ये है मूसक बाजक, तीन जो बने हैं। जो ढोल बजाते हैं वो अंकल मोटे से होते हैं, जो धमा बजाते हैं वो सुगड़े से होते हैं, उन्होंने एक जैसे बना रखे हैं। माछी पानी सी जी वो नहीं आएगा ना इनसे, कौन सा ऑपरेट तुम्हारा नहीं आएगा, तो मैं गा रही हूँ। माछी पानी सी जू तेरे मेरे हो, गाइस ये है क्या, मम्मी क्या बोलते हैं, जलेबी आटा पीसने चलते हैं, हमारे दादी पीसते थे इसमें, इसमें गांव में जैसे कि आटा पीसते थे ना, ऐसे चीज बनाई है यहाँ पे, यहाँ डालते हैं, यहाँ डालते हैं गेहूँ ऐसे पीसते थे। यहाँ आके ऐसा लग रहा है मतलब हम गांव में आ चुके हैं। पूरा घर भी देखिए आप ऊपर, तो ये मेडिटेशन रूम है गाइस। यहाँ पे पता नहीं गाना भी गाते हैं,
और खाने में यहाँ पर टिपिकल पहाड़ी थाली मिलती है। यहाँ कुछ ऐसा है, ओगरा में बैठे हैं, इसको ओगरा बोलते हैं, हमें ओगरा बोलते हैं ना इसको। और थाली हमारी ये है, थाली हमारी ये है, इसमें कि ये लाल चावल, खीर, आलू की सब्जी, ठीक है, चैसू राजमा और ये पल्लर पल्लर चटनी हुई है। दुकान वाले इतने में पुराना फोन बेच रहे जितना मिलेगा, फ्रिज चढ़ देते हैं। अंधेरा है कमरा, और ये है महासू देवता। पापा बैठे हैं यहाँ पे, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये सब क्या है यहाँ पे, you
आप। दीनदयाल कैफ़े में खाने के साथ साथ पहाड़ी गाने सुनने का मौका भी मिलेगा और यहाँ पर टिपिकल पहाड़ी खाना खाने को ही मिलेगा और यहाँ का माहौल एकदम गांव की तरह है। खाने के बर्तन से लेकर खाने की सर्व करने का तरीका एकदम पहाड़ की पारंपरिक तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी यहाँ आइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको अपने गांव की याद दिलाएगी। जो लोग गांव से काफ़ी टाइम से दूर रहे हैं वो यहाँ आके देखेंगे तो उनको अपने गांव की याद ज़रूर आएगी। काफ़ी अच्छा कैफ़े है ये। तो गाइस अब हमने खाना भी खा लिया है, निकलते हैं अब यहाँ से हम लग तो तो गाइस अब हम चलते हैं। तो गाइस और अभी अब हम आए हैं बुआ जी के घर में। ये वाला घर सारे अलग अलग घर है क्या? मम्मी ये देखो उनसे जो पिंक वाला और थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं। ओ मम्मी वो क्या लगाए? मौसमी चपोतरे। चपोतरे फिर वहाँ हमने बुआ जी के यहाँ थोड़ा फ्रूटी पी और थोड़ी देर बैठे रहे। फिर उसके बाद हम घर निकल गए थोड़ी देर बाद। फिर रात को मैंने अपना केक कट करा। ये है मेरा बर्थडे केक, इसमें मेरा घर का नाम लिखा है कालू। हैप्पी बर्थडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज गिव मी थम्स अप। तब तक के लिए बाय गाइस।